आपको मुक्ति नहीं मिल सकती। ऐसी हालत देख जगत की संत सतगुरु भय प्रकटयान। जब उस अनामी महाप्रभु ने जीवों की ये हालत देखी, जीव अंधकार के दलदल में फंसता चला जा, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, कर्मकांड ही कर्मकांड है, तब स्वयं अनामी महाप्रभु ने संतों महात्माओं को इस धरा भूमि पर भेजा। संत महात्मा फकीर इस धरा धाम पर आकर के हम जीवों को समझाने का प्रयास करते हैं कि भाई हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम, तुमको घर पहुंचावना एक हमारा काम। हम उसी देश से आए हैं जिस देश के तुम रहने वाले हो, परंतु तुम अपने सच्चे देश को छोड़ करके इस झूठे काल और माया के देश में आकर फंस गए। इसलिए धाम अपने चलो भाई, पराए देश नहीं रहना, अपने घर चलने की तैयारी करो, अपने वतन चलने की तैयारी करो। ये पराया देश है, ये देश तुम्हारा देश नहीं, तुम्हारा देश सचखंड है। ये कौम तुम्हारी कौम नहीं, तुम्हारी कौम सतनाम है, और ये जीवात्मा उस सतनाम रूपी समुद्र की बूंद है। इस बूंद को समुद्र से मिलाओ, यानी जीवात्मा को उस परमात्मा से मिलाओ। इसके लिए न तुम्हें घर बार छोड़ने की जरूरत, न बाल बच्चों को छोड़ने की जरूरत, न जात और बिरादरी बदलने की जरूरत। हरे नारियों, ये जात पात के रगड़ों झगड़ों ने मनुष्य के ऊपर पर्दा डाल दिया, वरना महात्माओं का उपदेश इतना सरल है कि 5 वर्ष के बच्चे से लेकर के 100 वर्ष का बूढ़ा भी कर सकता है। क्या स्त्री और क्या पुरुष, क्या आदमी और क्या औरत, क्या ऊंच और क्या नीच, क्या अमीर और क्या गरीब, वो नाम सबके लिए साझा है। वो हर मनुष्य के अंदर रात और दिन धुनकारे दे रहा, वो साधु संतों के अंदर गूंजता है तो वह चोरों और ठगों के अंदर भी गूंजता। यहाँ किसी कौम का सवाल नहीं, किसी मजहब का सवाल नहीं, किसी जात और बिरादरी का सवाल नहीं। ये जात पात के रगड़े झगड़े ये हमारे अपने नहीं है, ये सिर्फ हमारे मन की ख्वाहिश है, ये मन की शरारत है। आप अपनी बुद्धि से विचार करिएगा, जब गुरु नानक साहब नहीं आए थे तब कोई सिख नहीं था, जब मोहम्मद साहब नहीं आए थे तब कोई मुसलमान नहीं था, जब ईसा मसीह साहब नहीं आए थे तब कोई ईसाई नहीं था, और पीछे लौटते चले जाओ तो केवल मनुष्य ही मनुष्य रह जाते हैं। ये रगड़े झगड़े किसने पैदा किए, अरे हमारे मन ने पैदा किए, अरे किसके लिए, केवल अपने स्वार्थ के लिए। हरे नारियों, कोई भी महात्मा इस धरा धाम पर आकर के ना कोई कौम बनाने आता है, ना कोई मजहब चलाने आते हैं, और ना ही आप हमारे हाथों में ये डंडे और तलवारें देने के लिए आते। अरे आप तो सच्चा मार्ग सनातन मार्ग समझाने के लिए इस धरा भूमि पर अवतरित होते। ये जितने हमारे मजहब हैं, इनके जितने रीत रिवाज हैं, जितना रहन सहन का तरीका है, जितनी भी शरीयतें हैं, हमें जरूर अलग अलग नजर आती हैं, लेकिन उसके अंदर जो रूहानियत होती है, जो रूहानियत का भेद होता है, वो असलियत होता, वो हर मजहब की तह के अंदर एक ही चीज होती है। संत महात्मा फकीर उस रूहानियत को हासिल करने का तरीका समझाते, आप तमाम जिंदगी उस रूहानियत का प्रचार करते। रूहानियत और शरीयत का आपस में वैसा ही रिश्ता होता है जैसा कि जेवरों का जेवरों के डिब्बों के साथ होता, कीमत जेवरों की होती है डिब्बों की नहीं, तलवार को काम आनी होती म्यान को नहीं। एक उसी प्रकार से हमें जो कुछ भी प्राप्त होगा उस रूहानियत से प्राप्त होगा। जब हम रूहानियत से दूर हो जाते हैं
तब आहिस्ता आहिस्ता हम शरीयत के कैदी बन जाते हैं, शरीयत के गुलाम बन जाते हैं। वह शरीयत धर्म के ठेकेदारों के हाथों में चली जाती, वे हमें बाहर मुखी कर देते, कर्मकांडों में फंसा देते। न किसी को रूहानियत की समझ होती है, न ही कोई समझाने की कोशिश करता। प्रेमी भाई बहनों, ये लोग हमें इतना बाहर मुखी कर देते हैं, इतना कर्म कांडों में उलझा देते ताकि उनका भी रोजगार चलता रहे। अरे जिस चीज को हासिल करके हमें सुख प्राप्त करना है, उस ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। सुख तो परमात्मा की भक्ति में, परमात्मा के प्यार में मिले। इसीलिए महात्मा प्रेम से समझाते हैं कि सुरत सुन बातरी तेरा धनी बसे आकाश, ऐ जीवात्माओं तुम्हारा पति वह परमात्मा है, वो परमेश्वर है, वो सचखंड में बैठा हुआ और तुम माया के जाल में फंसी। जब तक तुम अपने घर जाकर के अपने पति से मिलाप नहीं कर लेते, तुम सुख किस तरह हासिल कर सकते, तुम शांति किस तरह प्राप्त कर सकते। प्रेमी भाई बहनों, इस दुनिया में न कभी किसी को सुख मिला और न ही कभी मिल सकता। कभी कभी मन में ख्याल आता है कि शायद जिन दिनों महात्मा आए थे तब दुनिया की हालत इतनी अच्छी ना रही हो, इसीलिए महात्मा दुखी दुखी चिल्लाते रहे। अब तो हमने जिंदगी के हर क्षेत्र में इन 100 सालों के अंदर इतनी तरक्की कर ली। पहले हम झोपड़ियों में रहा करते थे या एक आध कोठरियों में पूरा परिवार रहा करता था। इसी तरह खेती बाड़ी भी लोग हाथों से या बैलों से किया करते थे। शादी ब्याह भी बिरादरी के अंदर हो जाती थी। 15-20 मील के अंदर हमारी सारी दुनिया थी, हम उसी दुनिया में गुजारा करके सिमट जाते। अब हमने जिंदगी के हर क्षेत्र में इतनी इतनी तरक्की कर ली, बड़ी बड़ी कोठियां बनवा ली, खेती बाड़ी के लिए बड़े बड़े ट्रैक्टर आ गए, तरह तरह की रासायनिक खादें कीटनाशक दवाइयां आ गई, बीमारी दूर करने के लिए बड़े बड़े अस्पताल बन गए, अच्छे अच्छे डॉक्टर आ गए। और न्याय के लिए क्या कहा जाए, सिविल कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक बन गया। चाहे कहीं भी मुकदमा ले जाओ, जब हमने इतनी तरक्की कर ली, हमने इतना विकास कर लिया, फिर भी महात्मा हमें दुखी क्यों कहते। जब हमने सब कुछ कर लिया, इतनी तरक्की और विकास कर लिया, फिर भी हम दुखी क्यों हैं, महात्मा हमें दुखी क्यों कहते हैं। प्रेमी भाई बहनों, आप लोग बुद्धिमान हो, अपनी बुद्धि से स्वयं विचार करिए। जब हम झोपड़ियों में रहा करते थे तो पूरा परिवार एक साथ रहा करता था, आपस में एक दूसरे से प्रेम था। शाम को थके हारे घर वापस आते थे, प्रेम के साथ भोजन करते थे, गा बजा कर सो जाते थे। और जब हमने इतनी तरक्की कर ली, बड़े बड़े मकान बना लिए, 9-9 इंच के गद्दे भी डाल लिए, फिर भी हमें नींद नहीं आती, नींद की गोलियां खा खा करके सोना। पहले गांव में मामूली वैद हकीम हुआ करते थे, लेकिन इलाज सबका हो जाता था, बीमारी सबकी दूर हो जाती थी। अब विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली, बड़े बड़े डॉक्टर आ गए, नई नई दवाइयां आ गई, तो बीमारी भी तो नई नई निकल रही। इसका मूल कारण है कि लोग अनाज की पैदावार को बढ़ाने के लिए तरह तरह के कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल करने लगे, जिसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता। डॉक्टर जरूर है पर मिलते किसको है, हर मिल भी जाए तो अस्पतालों में चारपाइयां कहाँ मिलती, बीमार तो बेचारे बरामदों में पड़े रहते। प्रेमी भाई बहनों, पहले गांव में कोई मामूली झगड़ा हुआ करता, चार भले लोग मिल बैठ करके सुलझा लिया। अब आप मुकदमा करके देख लीजिए, क्या मजाक 20-25 साल से पहले कोई फैसला आ जाए। प्रेमी भाई बहनों, बेशक हम इतना अनाज पैदा करते, लेकिन उसकी कीमतें इतनी ज्यादा है कि आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाती। अरे अमीर आदमी खा नहीं सकता है,
क्योंकि उसे शुगर हो रखी, गरीब को मिलता नहीं क्योंकि कीमतें इतनी ज़्यादा है। फिर ऐसी तरक्की से किसी का क्या फ़ायदा हो सकता है? ये तरक्की का कसूर नहीं है, ये हमारा अपना कसूर है। हम उन चीज़ों के कैदी बन गए। ये चीज़ें हमारे लिए बनी थी, ना कि हम उनके लिए बने थे। हम मशीनों के पुर्जे बन गए, मशीनों के मालिक ना बन सके। हमें मालिक बनना चाहिए था, सबको रोटी कपड़ा मकान मिलना चाहिए, सबका मन शांत रहना चाहिए, समाज में प्रेम और भाव रहना चाहिए, माँ बाप का आदर सत्कार होना चाहिए, सबका मन निश्चिंत होना चाहिए। और यही तो जीवन में हर इंसान मांगता है। अगर जीवन में कीमतें और कदरें ना रही, फिर ऐसी तरक्की से किसी का क्या फायदा हो सकता है? इसीलिए नारियों, महात्माओं ने जब कहा था वो तब भी ठीक था, अब कहा तो अब भी ठीक है। दुनिया में न तब किसी को सुख मिला और न अब किसी को सुख मिला। इसीलिए महात्मा समझाते हैं, भाई तजो मन ये सुख दुख का धाम। संतों महात्माओं ने इस दुनिया को दुख और सुख की नगरी कहकर बयान किया, क्योंकि कोई इंसान ऐसा नहीं मिलेगा जिसको हमेशा सुख ही सुख प्राप्त हुए, या कोई इंसान ऐसा नहीं मिलेगा जिसको हमेशा दुख ही दुख प्राप्त हुए। 10 दिन दुख में गुजर जाते तो थोड़ा बहुत सुख भी आ जाता, और 10 दिन सुख में गुजर जाते तो थोड़ा बहुत दुख का सामना भी करना पड़ता। ये सुख दुख की समस्याएं हमारे पिछले जन्मों के पुण्य और पाप के कारण है। जब पाप और पुण्य इकट्ठे होते हैं तब हमें इंसान का जामा मिलता। यदि पुण्यों के कारण हम सुखी हो जाते तो उन पापों के कारण हमको दुख का सामना भी करना पड़ता। प्रेमी भाई बहनों, ये सुख दुख की समस्याएं, ये सुख दुख के मसले न कभी किसी से हल हुए और न ही कभी हो सकते, लेकिन महात्मा जिंदगी गुजारने ऐसा सुगम साधन सरल तरीका समझाते हैं जिस पर चल करके हमारा ख्याल सुख दुख की समस्याओं से परे चला जाए। महात्मा कहते हैं, वही लगो तुम अब चढ़कर सतनाम। अगर सुख हासिल करना चाहते तो सतनाम की खोज करो, उस मालिक की भक्ति करो, क्योंकि जितना अर्सा जितना समय हमारा ख्याल मालिक की भक्ति में लगा रहेगा, हम दुनिया में 2-4 दिन जरूर सुख हासिल कर सकते। और अगर हमारा ख्याल मालिक की भक्ति से हट जाए तो यह सारी दुनिया हमारे लिए दुख का रूप बन करके खड़ी हो सकती। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप अपनी बुद्धि से स्वयं विचार करिएगा। एक छोटा सा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़ करके मेला या नुमाइश में घूमने जाता, उसे मेले की हर साजो सामान बड़ी खूबसूरत नजर आती। किसी जगह खेल खिलौनों की दुकानें लगी, कहीं गुड्डे गुड़ियों की दुकानें लगी, कहीं झूलों की दुकानें लगी, कहीं मिठाई और पकवान की दुकानें लगी। वो बच्चा सोचता है कि शायद ये खुशी हमको इस मेले के साजो सामान से प्राप्त हो। और अगर भूल करके भी वो बच्चा अपने पिता की उंगली छोड़ देता, वो सारा साजो सामान उसी जगह रहता, लेकिन बच्चा रोने चिल्लाने लगा। तब उसे होश आता, ये खुशी हमें तभी तक प्राप्त हो सकती है जब तक हमने अपने पिता की उंगली पकड़ ली। हमारा पिता कौन है? वो परमात्मा है, वो परमेश्वर है जिसने अंड खंड ब्रह्मांड की रचना की। जितना समय हमारा ध्यान उस मालिक की भक्ति में लगा रहेगा, हम दुनिया में 2-4 दिन जरूर सुख हासिल करें। और अगर हमारा ध्यान भक्ति से हट जाए तो सारी दुनिया हमारे लिए दुख का रूप बन करके खड़ी हो जाए। इसलिए नारियों, अभी आपको ये मौका मिला, ये मानव तन आपको मिला, ये बार बार नहीं मिलने वाला। गुरु महाराज की दया कृपा से आपको ये शुभ अवसर मिला। गुरु महाराज ने दया कर दी, ऐसे समरत नामी महाप्रभु हमको आपको मिले जिन्होंने नाम की अमोलक दौलत बख्शीश की। हम लोग गुरु महाराज के पास नहीं गए, अब गुरु महाराज ने हम लोगों को
अपनी ओर खींचा और अमोलक दौलत बख्शीश की ताकि हम दुनिया के जीव सदा सर्वदा के लिए इस भाव सागर रूपी समुद्र से पार हो जाए। तो प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने हम लोगों के लिए बहुत मेहनत की, करीब करीब 116 वर्ष की आयु अथक परिश्रम किया। सबसे पहले प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने अपने आध्यात्मिक वैचारिक क्रांति का विरोध 10 जुलाई सन 1952 गंगा की पावन धरती यानी काशी नगरी से अपने आध्यात्मिक संदेशों को जारी किया। चंद लोगों के बीच में लगाया हुआ एक बागवा बगीचा इस तरह से पुष्पित और पल्लवित होगा, इतनी इतनी विशाल शाखाएं होगी, ये अनुमान उस समय पर किसी ने नहीं लगाया। लेकिन परम पूज्य स्वामी जी महाराज इस बूंद को सागर बनने का संकेत चंद प्रेमियों को बराबर देते रहते। धीरे धीरे ये अभियान बढ़ता चला गया और सन 70 का दशक आते आते यह एक क्रांति के रूप में परिवर्तित हो गया। ऐसी क्रांति जो शुद्ध रूप से आध्यात्मिक वैचारिक क्रांति थी, जिसमें हिंसा हत्या का कोई स्थान नहीं था, लेकिन निश्चय ही यह मानव मस्तिष्क को हिला देने वाली क्रांति। बड़े बड़े लोग जो भौतिकता की अंधी दौड़ में भटक रहे थे, जिनके दिलो दिमाग में आध्यात्मवाद एक खोखला विषय बन चुका था, जिन्होंने धर्म से मुख मोड़ लिया था, ऐसे भूले भटके मानव समाज के मन मस्तिष्क में सन 70 का दशक आते आते एक आध्यात्मिक क्रांति हिलोर लेने लगी। धीरे धीरे करोड़ों करोड़ जनमानस इस आध्यात्मिक झंडे के नीचे आकर खड़ा होने लगा। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने हम लोगों के लिए अथक मेहनत परिश्रम किया ताकि हम दुनिया के जीव सुरत शब्द नाम की कमाई करके सदा सर्वदा के लिए इस भव सागर से पार हो। जब गुरु महाराज ने इतनी मेहनत की तो हम लोगों का भी फर्ज और कर्तव्य बनता है कि हम सभी लोग गुरु महाराज के बताए हुए रास्तों पर चलें और भजन करें, क्योंकि भजन ही सार है, वही दौलत तुम्हारे साथ जाएगी, बाकी सब रगड़े झगड़े ये सब आपके यहीं पड़े रह जाएंगे। अगर कोई चीज आपके साथ जाने तो वह केवल परमात्मा की भक्ति है। अरे बड़े बड़े राजे महाराजे सारी जिंदगी किला बनाते बनाते गुजारते, आज उनके किलों को जाकर देखो, आज खंडहर बने पड़े हुए। विश्व विजेता सिकंदर भी सारी दुनिया पर राज करने का ख्वाब देखता, वो भी मुट्ठी खोल करके चला गया, कोई क्या साथ लेकर जाएगा। पर जो चीज तुम्हारे साथ में जाने वाली वो केवल परमात्मा की भक्ति है, सुरत शब्द नाम की कमाई। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपको ये अवसर मिला, सुमरण ध्यान भजन आप लोग बराबर करते रहिएगा। बहुत से नए प्रेमी भाई बहन आए हुए, तो कैसे सुमरण ध्यान भजन आपको करना है आप लोग अच्छी तरह समझ लीजिए और घर पर बैठ करके आप सभी लोग करिएगा। तो सबसे पहले सुमरण कैसे किया जाए, सुमरण करने के लिए एक माला आप लोग ले लीजिएगा। ये देखिए 108 दाने की ये माला है। अपने अपने घरों में बैठ करके बाहर से अपनी आँख को बंद कर देना, दोनों आँखों के मध्य भाग में अपने ध्यान को जमा करके और मन ही मन अंदर ही अंदर जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करिएगा। हर दाने पर जय गुरुदेव नाम का उच्चारण, हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, हर दाने पर जय गुरुदेव।